वह सबका इज़मान अफसद वेलकम बैक टू अ्रांडनी वीडियो और आज की उस वीडियो में मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि आप लोगों को गेम डवेलपमेंट जो है वो सीखनी क्यों चाहिए और हमारी जो देसी कम्यूनिटी है हमारी जो इंडियन कम्यूनिटी है पाकिस्तानी कम्यूनिटी हमारी जो उन लोग को क्यों गेम डिवेलपमेंट सीखनी चाहिए और उसमें क्या स्कोप है काफ़ी लोग अक्सर पूछते हैं कि स्कोप है या नहीं है और फ्यूचर में यू नो जब्स का क्या सीना है वगैरह वगैरह तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूँगा Uh, कुछ गेम्स जो हैं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो गेम्स आई हैं लाइक रिसेंटली सामने आई हैं हमारे uh, उनके बारे में बात करूँगा उनकी मैं आपको सक्सेस सक्सेस स्टोरीज़ बताऊंगा ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो सकें थोड़ा सा यू नो आपको इंस्पिरेशन मिल सके कि आपको गेम डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए राइट तो ये रिसेंटली मुझे गेम नज़र आई लिमिनल कोर के नाम से दिस इज़ मेड बाय सम पाकिस्तानी गाइस वकाश शफीक नाम के एक बंदे हैं उन्होंने ये गेम रिसेंटली बनाई है उनकी पूरी टीम ने और काफ़ी अच्छी मतलब ये गेम की अगर आप इसे यूट्यूब पर सर्च करें तो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं जैसे कि एक बंदा है हॉलो इसके ऑलमोस्ट फाइव मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इन्होंने इसके बारे में मतलब एक गेम पे वीडियो बनाई है इट्स अ हॉर गेम और उन्हें पूरी गेम खेली है और इसमें एंड में लाइक यू नो हज गेवन अटर एज वेल यू कैन सी वकाश रफीक शहीर खान लाइक ये यू नो दिस आर पाकिस्तानी पीपल हु लाइक वर्क ऑन दिस गेम और ये काफ़ी um, इसकी मैं अगर आपको इस गेम की सक्सेस का थोड़ा आइडिया दिलाऊँ तो इसके तकरीबन सेवनटी um, टू रिव्यूज़ हैं अभी हमारे पास सही है uh, तो मैं अगर कैल्कुलेटर खोलूँ अब इनकी आप देख सकते हैं सेवनटी टू इसमें रिव्यूज़ हैं सीधे सेवेंटी टू अगर हम लिखे और रिसेंटली इनका मैंने कमेंट देखा था जिसमें इन्होंने बताया था तकरीबन एक रिव्यू पे ऑलमोस्ट तकरीबन एटी यूजर्स या एटी लोगों ने गेम खरीदी थी सही है, से अगर इसे मल्टीप्लाई करें एटी के साथ ठीक है um, तो इतने लोगों ने ये गेम खरीदी है सही है अब ओबियसली एट डॉलर्स यहाँ पर प्राइज़ है सही पाकिस्तान में कम होगी प्राइज और मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्राइजेज़ होती हैं सही है परचेजिंग प्रायरटी की वजह से लेकिन um, और प्लस में थर्टी परसेंट स्टीम भी लेता है तो सारा कुछ अगर काटने के बाद अगर आप एवरेज की पाँच पाँच डॉलर पर सेल भी लगाएं ना फिर भी इन्होंने um, अगर पाँच ना भी लगाए साढ़े चार लगाएं राइट फिर भी इन्होंने इस गेम से एक महीने के अंदर अंदर पच्चीस हज़ार इनफैक्ट छब्बीस हज़ार डॉलर जो हैं वो कमाएँ है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई <coughs> करें पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो टू नाइन्टी चलने नहीं करते टू एटी कर लेते हैं या टू एटी फाइव करते हैं तो उन्होंने तकरीबन सेवनी थ्री लैक्स जो हैं एक महीने के अंदर अंदर ये हॉलीवुड पे रिलीज़ हुई रिलीज थी गेम ट्वेंटी एट अक्टूबर पे और अभी मैं सिक्स नवंबर पे रिकॉर्ड करूँ तो तकरीबन एक महीने से या डेढ़ महीना थोड़ा हुआ है और माशाला से इन्होंने अभी तक इतने पैसे कमा लिए राइट तो अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ऑबियसली हर गेम इतने पैसे कमाती है लेकिन आपको मैं पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूँ कि एक इंडी गेम मतलब चार पाँच लोगों की टीम छः सात लोगों की टीम जो है वो इस तरह की गेम बना सकती है राइट जो कि इतने ज़्यादा पैसे कमाए रहे और अगर आप इसकी ग्राफिक्स वगैरह देखें आप इसके मॉडल्स वगैरह देखें तो ये बिल्कुल ही बहुत बेसिक मॉडल्स है राइट आइडिया ऑब्वियसली इनका बहुत यूनिक है लेकिन अगर आप ओवरऑल गेम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गेम नहीं है दिस इज़ वेरलीजी टू लाइक यू नो तो मेक ऑब्वियसली um, लाइक like मैं उनकी उनके हार्डवर्क को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा ऑबियसली उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी लेकिन वराम चाहिए उससे इज़ अगर आप सीखना शुरू करें अगर आप गेम डेवलपमेंट सीखें अगर आप इंडस्ट्री में है तो दर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप भी इस तरह की गेम्स जो है बनाना सीख जाएंगे एवेंचली राइट तो दिस इज़ एन अमेजिंग माशा से बहुत अच्छी है, um, हमारे लिए सॉर्ट sort ऑफ of, पाकिस्तानीज़ के लिए एक सॉर्ट ऑफ़ यू नो फ़खर की बात है और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी हमारे पास uh, अपने कंट्री में ये मौजूद है राइट माशा से तो आ, उसके बाद हम एक और गेम की तरफ चलते हैं ये एक और गेम है रेड क्लेयर के नाम से अगेन इसके भी थर्टी सेवन रिव्यूज़ हैं तो इनके ऑब्वियसली सवेंटी टू थर्ज तक आस पास इन्होंने उसके आधे पैसे कमाए होंगे राइट ये लेकिन कुछ टाइम पहले जनवरी में रिलीज़ हुई थी तो एम बराम से इसके गेम्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो हैं एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं एक और ये भी गेम है द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के नाम से ये रिसेंटली रिलीज़ हुई है और इसके इतने ज़्यादा यूज़र्स फ़िलहाल नहीं है लेकिन Uh, मैं आपको गेम खेलती इस क्वालिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह का काम पाकिस्तान में हो रहा है अभी इस वक्त राइट तो जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइक इट्स इट्स बूमिंग सही है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और अगर आप इस वक्त पे ज्वाइन करते हैं यू नो बिकॉज आजकल तो गेम्स बनाना लाइक like, और भी आसान हो गया बिकॉज ऑफ़ ए आई बिकॉज ऑफ़ यू नो ए आई टूल्स वगैरह ने आपकी जो वर्क फ्लो है काफ़ी ज़्यादा तक आसान काफ़ी ज़्यादा यू नो कम्पेरेटिवली आसान कर दिया है तो इस वक्त इंडस्ट्री में घुसना इज़ यू नो द बेस्ट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यू नो गन टू द इंडस्ट्री अगर अगर आप गेम्स बनाना शुरू करते हैं तो अभी काफ़ी आसान भी होगा गेम्स बनाना और जो है पोटेंशल भी um, काफ़ी ज़्यादा आपके पास अवेलेबल होगा तो या मेरा जो मकसद था यह वीडियो बनाने का वही था कि बस मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि आप लोग गेम डेवलपमेंट सीखें uh, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब पर भी एक फ्री कोर्स चल रहा है गेम um, डेवलपमेंट का uh, आप वहाँ से सीख सकते हैं लेकिन ये इट्स नॉट एन एडवर्टाइजमेंट अगर आप वो नहीं भी देखते कोर्स अब uh, वैसे जनरली अगर आप गेम डिवलपमेंट सीखते हैं तो वो भी यू नो आप सीख सकते हैं तो यार ये मेरा कोर्स यहाँ पे लाइक चल रहा है अगर आप ये देखना चाहते हैं इट्स कम्पीटली फ्री इट्स ऑन यूट्यूब इंजन हम सीख रहे हैं इसमें इंजन में आप इस तरह के आराम से गेम्स वगैरह जो है बना सकते हैं राइट सो या दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वन ऑलसो इस वीडियो का जो आइडिया था वो वो मुझे इस, uh, एक यहाँ पे बंदे हैं प्रोग्राम चीमा के नाम से एक यूट्यूब चैनल है इज़ एन अमेजिंग आई आई जस्ट लाइक डिस्कवर्ड हिम लाइक आज ही और डेफिनेटली जाके कर सब्सक्राइब करें सही है गैर नंबर्ज अप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में पूरी गेम डेवलपमेंट की जो कम्यूनिटी है उसको यू नो बढ़ावा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा रहे हैं गेम डेवलपमेंट को पाकिस्तान में तो ही इज़ एन अमेजिंग आई डेफिनली गिव एम डेफिटली सब्सक्राइब टूर चैनल एंड या दस पीढ़ी मचर आम आई रियली होप आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी थोड़ा इंस्पायर हुए होंगे आप लोग और होपफली अगली जो लिमिनल कोर जैसी गेम होगी अगली जो यू नो इस तरह की सक्सेसफुल गेम्स होंगी वो होपफली आप बनाएंगे राइट सो या दास पीढ़ी मचर फॉर दिस वन आज द नेक्स्ट वन गुड बाय